जनाब हाजी मनीर धीरकर का रहने वाला हूँ। जनाब इस तो पिछे जितना भी टंडोर लंघिया किसे नहीं हाडे इलाके की सुनी, किसे नहीं हाडे इलाके का सारे रस्ते सारे गैस कोई काम नहीं अज तक कराया। सारे दे सारे उस तरह परेशान ने। जनाब पीटीआई आई है, असी रिक्वेस्ट करते हैं अस जद मल्ली अगे भी सारे अगे पीटीआई वालिया अगे इमरान साहब अगे भी जनाब असी इन्हों 19 तरीक न बोर्ड ते के इन्हों जिताने हैं। तो जनाब ये सानू ना मेहरबानी करूँ रस्ते रुस्ते जो गैस है हाँ फेवर करना। तो जनाब इन्हों की बहुत बहुत मेहरबानी, तो इंशाला इन्हों वोट पा के असी जिताने हैं 19 तरीक को। सर इलाके के रस्ते बहुत खराब ने, नहर का शुरू कराया ने, हाडा भिखी संधवा तो लाके धीरकियां तक रस्ता है बिल्कुल बेकार है। 8-10 पिंड लगते ने बिल्कुल बेकार है। गुजर वाले नाल सरावी पिंड है, बिल्कुल सरावा पिंड है, उत्थे गैस चलती है पई। हाँ किसी पिंड के कोई गैस नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं किसी को। आते ने पिंड जोड़े ने ना ये इस तरह खजल खराबी के रहन, इन्हों कोई शोर के अगर वधन नहीं देना चाहिए। सरावा पिंड है ये चलती है भी गैस चलती है पी। बोंडरी के उत्ते पिंड है सियालकोट जिले के बच्चे आ बोंडरी के पिंड है वो गैस चलती है पी। असी आवाम नूं ये अपील की है जितने भी यार दोस्त ने जितने रिश्तेदार ने जितने भी अही आख्या यार पीटीआई को वोट पाओ, अहजद मल्ली को जिताओ, जिस तरह भी होंगे अहजद मल्ली को जिताओ, इन्हू वोट पाओ, इंशाला ये सारे हाडे मामले हल करेगा, इंशाला सानू फेवर देवेगा, गैस लवाएगा, रस्ते बनवाएगा, सारे काम कराएगा, तो इंशाला इन्हू कामयाब कराने 19 तरीक को। जनाब अं धीरक रहने वाले हो, असी अल्लाह की मेहरबानी ना अजद मल्ली धीरके पिंड के बिचों जिता के काफ़ी 100-150 लीड तो अपने पिंड के मुताबक नून लीग भी अभी जिता के घला दे। इंशाला ऐसे तरह ही नाल भी चार चफेरे किसी पिंड के नून जीती है, किसी पिंड के सारी सारी पीटीआई जीती है, टोटल टोटल पीटीआई जीती है, किसी पिंड के मुकाबला होता है, इंशाला ही जिता के घला दे। जनाब है अपने हल्के अपन यूनियन कौंसल के इंशाला जनाब 19 तरीक न पीटीआई जीतेगी अल्लाह के हुक्म ना, अल्लाह सोने के हुक्म ना। जनाब राही सुगीर खान जिला सियालकोट तहसील दस्ता धीरके का रहने वाला हूँ। अभी मेरे भाई हाजी मुनीर साहब ने आपसे अपने बातचीत की है इलेक्शन के सिलसिले में, जो अभी हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन, तो हम अली अरशद मल्ली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छी लीड से कामयाब हो जाए। जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, भरपूर कोशिश है सब साथियों की कि वो लीड करेंगे, विन करेंगे। जी हमारे इलाके में जो मसाइल है ना, ये जब से नून लीग की हुकूमत रही है तकरीबन 40 साल से, ठीक है, तब से हमारे मसाइल चल रहे हैं, रोड के चल रहे हैं, गैस का चल रहा है, कई गांव में गैस है लेकिन कईयों गांव में गैस नहीं है, ठीक है, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल है, ठीक है, जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए मसाइल नून लीग के रहते हुए, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम अगर पीटीआई को वोट देंगे, ठीक है, तो अगर ये हमारे काम करवाएंगे, ठीक है, हमारा रोड बनवाएंगे, ठीक है, हमारा जो सीवरेज का मसला है, ठीक है, जो इधर हमारे गैस का मसला है, ठीक है, अगर ये हमारे कवर करेंगे मसले सारे, तो इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में हम इनको ही वोट देंगे। अब ये कहने का मतलब है कि जो आपके बुनियादी मसाइल हैं वो अभी तक किसी भी हुकूमत ने हल नहीं किए? नहीं नहीं हमारे किसी भी हुकूमत जितनी भी हुकूमत आज तक आ चुकी हैं किसी भी हुकूमत ने हमारे जो है मसाइल वो हल नहीं किए। जी हम इसको टेस्टिंग के लिए वोट दे रहे हैं। अगर नून लीग को वोट देते भी हैं हम तो उसका कोई फायदा नहीं है इस हलके को, अभी ये हुकूमत में है अजहद अली मल्ली की जो पार्टी है, इसका हमें बेनिफिट होगा कि हम ये जो भी जो काम है वो करवा लेंगे हलके पे, ठीक है। अगर नून लीग को वोट देते हैं तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हलके को।
देखिए जी, 40 साल दार शाह साहब ने हुकूमत की है हमारे, अपना एन ए 75 में 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। ठीक है, जो ये तरीके इंसाफ, अगर हम इनको वोटिंग करेंगे इनके, ठीक है, अगर हम इनको वोट देंगे, अगर ये हमारे काम करवाएंगे तो हमें इनको वोट देने का फायदा है। अगर इन्होंने भी हमारे काम नहीं है करवाने तो हमें भी कोई फायदा नहीं है इनको वोट देने का, हम खामोशी से अपने घर बैठ जाते हैं। अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, हम तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं इनको, इंशाल्लाह हम इनको अपने गांव से, गांव दीरके से, इंशाल्लाह हम इनको 250, 300, 350 की लीड से हम इनको विन करवाएंगे।